हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि नए सेशन में हम लोग नए नए प्रयोग, नए नए प्रकार से आप लोगों को एजुकेट करने का, शिक्षा देने का संकल्प किए हुए हैं। तो इसी क्रम में आज आपको कुछ विशेष बताने जा रहे हैं आपको हम। एक नई कड़ी इस चैनल में जुड़ने जा रही है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लाभान्वित होइएगा। देखिए, आज के डेट में YouTube पर या वैसे भी मीडिया पर चैनल की कमी नहीं है। बहुत सारे हैं चैनल, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज आते हैं जिसको आप देखते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं आप और समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ना। जिसमें कुछ पे चैनल भी है जिसमें आप पे भी करते हैं, फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही आप भूल जाइएगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको बरगलाया जाएगा। आप बिल्कुल सॉलिड जगह पर हैं, आप इसको देखें, समझें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, लाभान्वित हो, इससे ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, चलिए तो वेलकम टू आवर एडुफेस चैनल। ठीक है, वेलकम टू आवर एडुफेस चैनल। ठीक है, स्वागत है आपका। ओके, और आज जैसा कि आपको हम बताए कि जो नया हम प्रयोग करने जा रहे हैं, नया चीज़ आपको देने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, वो है डेली 5 वैकैब्स विथ सेनोनिम्स एंड एंटोनिम्स प्रैक्टिसेज। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल जानते हैं, सभी लोग जानते हैं आज के डेट में, आज ऐसा परिवेश है कि इंग्लिश मस्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज जानना, समझना, बोलना है ना, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अपने ही देश में आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे, वहाँ हिंदी नहीं समझेंगे लोग और वहाँ की भाषा आप नहीं समझेंगे, लेकिन इंग्लिश में यदि आप बात करते हैं, बोलते हैं, तो वो भी समझेंगे और आप भी समझेंगे। तो इसके लिए इंग्लिश मस्ट है। या कोई कंपटीशन आप देते हैं, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मस्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में बैकअप्स जो है बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डेली 5 बैकअप्स केवल आप करें और उसका सेनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रैक्टिस करें, याद करें। धीरे धीरे आपका जीवन जो है बिल्कुल इंग्लिशमय हो जाएगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कब आप इंग्लिश में बदल गए, कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल ही ईजी वे में है ना, ईजी वे में आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप डेली 5 वैकब्स विथ सेनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डेली ना, रूटीन वाइज और एक संकल्प से। ऐसा नहीं कि आज किए कल थोड़ा आलस कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। संकल्प आपको भी करना होगा, हम तो खैर संकल्पित हैं ही, आपको देंगे ही। ठीक है, आप सेनोनिम्स समझते हैं, सेनोनिम्स मैंने उसी से रिलेटेड, वो जो शब्द वर्ड होता है वो सेम, उसके जैसा वर्ड, और एंटोनिम्स अपोजिट, उल्टा होता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इसके लिए अब डेली आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, ताकि प्रतिदिन आप तक पहुंचे नए नए वैकैब्स और उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, और उसको कैसे आप याद करेंगे वीडियो में ये भी आप बताने वाले हैं। अभी हम आपको याद भी नहीं करना, पता भी नहीं चलेगा आप कैसे याद कर लिए, और वो वर्ड उसका एंटोनिम्स और उसका सिनोनिम्स, ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब सेट हो गया, और उसका आप यूज करने लगेंगे, धड़ाले से प्रयोग करने लगेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, तो वही है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल ना, एंड प्रेस द आइकन बटन, PDF शेयर ना, जिसमें टेलीग्राम चैनल है और वेबसाइट है ना, इस पर भी है, उपलब्ध है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना, इसका जो टेलीग्राम चैनल है या PDF है, तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अब वैकैब्स को देखेंगे कि इसमें कैसे हमको करना है, कैसे याद करना है, आज आप बता रहे हैं हम आपको, और नो डाउट एकदम परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में, चेंजिंग लाएगा, बदलाव लाएगा। बहुत सारा आप क्या कहते हैं, ये स्पोकन क्लास भी किए होंगे, बहुत सारे ग्रामर पढ़े होंगे, वर्ड मीनिंग याद किए होंगे, डिक्शनरी पढ़े होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आप देखेंगे, ज़्यादा नहीं, एक सप्ताह प्रैक्टिस करके देखिए मेरे साथ, फिर आप बताइएगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ठीक है ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने इतने वर्ड्स अपने अंदर समाहित कर लिए, आपके अंदर आ गया इतना वर्ड्स। ठीक है, तो वही है आपका एडुफेस की तरफ से है डेली, ये पहला पार्ट होगा आपका वैकैब्स का, आज स्टार्टिंग चुकी हो रहा है तो फर्स्ट पार्ट है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और इस चैनल पर आप देख ही रहे हैं कि और भी क्लासेज चलता है, जैसे ग्रामर टेंस है,
ना, और मैथ है, मैथ का भी चल रहा है, केमिस्ट्री का इसमें ऐड होगा इस सेशन से, केमिस्ट्री का क्लास भी टेंथ क्लास का है ना, ओनली फॉर टेंथ केमिस्ट्री का ऐड होगा, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आपका वही मैथ वाला है, ये इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज मैथ संस्कृत एंड केमिस्ट्री। देखिए अभी बोले आपको कि केमिस्ट्री जो है ये इस सेशन से ऐड हुआ है। केमिस्ट्री के लिए बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता, एक चीज़ तो है उनका जो इक्वेशन होता है बैलेंसिंग होता है तो नहीं समझ पाते हैं, है ना, तरीका होता है समझाने का। तो आप यहाँ जुड़ के देखिए, एक क्लास कीजिए मेरे कहने से, है ना, और आप उसके बाद देखिए केमिस्ट्री बिल्कुल आपको एकदम बच्चों का खेल लगेगा, हंसते हुए आप उसको समझ जाएंगे और आगे बढ़ते हुए उसको अचीव करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि ऑनलाइन लाइव क्लास भी हम लोग इस सेशन से शुरू करने जा रहे हैं, लाइव क्लास, ठीक है ना, लाइव क्लास जो है ऑनलाइन, और टेस्ट भी होगा आपका, जो भी चैप्टर समाप्त होगा संस्कृत में हो या मैथ में हो या आपका केमिस्ट्री में हो, उस चैप्टर से आपका लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे, लाइव टेस्ट सीरीज है, देख रहे हैं लाइव टेस्ट सीरीज, वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप उसका आंसर देंगे और जस्ट आपको पता चल जाएगा कितना आप हैं, कितना सही किए कितना गलत किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टेस्ट सीरीज है ये, कम बैक टू टॉपिक्स। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, आज का जो टॉपिक हम लोगों का है इसको देखेंगे, इसमें ऑल्सो लिंक प्रोवाइडिंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके चलिए, तो व्हाट आर द यूजेज ऑफ वैकेब्स, ठीक है, देखिए व्हाट आर द यूजेज ऑफ वैकेबलरीज। अब इसमें हम इसका यूज क्या है, वैकेबलरीज जो हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं याद करेंगे समझेंगे इसका यूज क्या है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं ये शब्दावली है ना, शब्द हैं, और किसी भी लैंग्वेज में किसी भी भाषा में आपको जितने वर्ड याद होंगे जितने शब्द याद होंगे वो भाषा उतना ही स्ट्रांग होगा आपका, उसमें आप उतना ही रीच होंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में हम लोग का यही प्रयास है कि आप देखिए, एक तो वर्ड याद होगा आपका, उसका सिनोनिम्स आपको याद होगा दो या तीन, फिर दो या तीन एंटोनिम्स याद होगा, तो समझिए एक वर्ड के साथ पाँच छः वर्ड आप याद कर रहे हैं और फिर उन वर्डों को आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो शब्द पावर है शब्दावली है वो स्ट्रांग हो जाएगा, अपने आप में एक आप खुद डिक्शनरी बन जाइएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्यों इसका यूज होता है, तो देखिए इजिली टू सॉल्व क्वेश्चंस इन एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एंड स्कूल एग्जाम, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव एंड स्कूल एग्जाम। ओके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में अब वोकैबुलरी जो है तो इसका एग्जांपल जो है आप देखेंगे, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन आपका आता है कि किस तरह से आप इसको यूज करेंगे, एग्जाम में आता है कंपटीशन में आता है तो वहाँ आप फंस जाते हैं क्योंकि वर्ड पावर आपके पास नहीं होता है, समझ नहीं पाते हैं, या तो बस अंदाजे पर टिक मार देते हैं अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो, और नहीं तो माइनस मार्किंग है तो छोड़ देते हैं क्योंकि डर रहता है कि गलती होगा तो अदर नंबर भी कटेगा, तो वो काम आगे से नहीं होगा आपका, एकदम गारंटी है, आप इसको समझिए। देखिए चूज द वर्ड, ठीक है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड एज यूज इन द सेंटेंसेज, बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ है उसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है ना, अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स। देखिए पहला है, फर्स्ट आ रहा है एडवर्सिटी टीचेज मैन बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट, ये सेंटेंस है। अब इसमें चार दिया हुआ है, आपका बोल्ड लेटर में क्या है, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी जो है वो बोल्ड है तो इसका आपको अपोजिट बताना है। ओके अब आप क्या करते हैं कि पूरे सेंटेंस को पढ़ने लगते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं, इसमें क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरे सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हो सकता है दो हो इसमें, ए और ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ए बी सी डी चारों होगा, है ना, चारों, ऐसा कन्फ्यूजन आ जाता है, लेकिन ये बात नहीं है। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आप केवल इस वर्ड को समझिए, ये एडवर्सिटी, और इसका अपोजिट याद रखिए, अपोजिट और सिनोनिम्स दोनों याद रखिए, देखिए अपने आप बिना सोचे कोई कन्फ्यूजन नहीं आप थोड़ा टिक मारेंगे ये होगा, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप स्वयं इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफ ऑल द कंपेनियंस ऑफ आवर
joyous ascent, there were only the two of us left. देख रहे हैं, ये ऑफ ऑल द कंपेनियंस ऑफ आवर जॉयस एसेंट देयर वी आर ओनली द टू ऑफ अस लेफ्ट. यहाँ पर बोल्ड लेटर है एसेंट, ये है. इसका आपको अपोजिट बताना है, तो अपोजिट बताना है. चार दिया हुआ है, डिसेंट दिया हुआ है. देखिए डिसेंट है, डिसेंट है, दोनों में देख लीजिएगा डिफरेंस है केवल स्पेलिंग का, है ना. और डिस्केंट है और डिसेंडेंट है, ये चार ऑप्शन है. अब चारों में सही क्या होगा इसका अपोजिट, इस वर्ड का अपोजिट आपको बताना है. अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जस्ट आप बताएंगे, तरीका आपको मालूम हो जाएगा. आप खुद ही बताएंगे कि हाँ इसका आंसर ये आंसर होगा. ठीक है, ये दो क्वेश्चन हुआ. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना. द स्टूडेंट असेंबल्ड इन मीटिंग हॉल, बोल्ड लेटर है असेंबल्ड. ओके, ऑप्शन है रिमूव्ड, डिफ्यूज्ड, डिस्पर्स्ड और इलिमिनेट. चार ऑप्शन है, चारों में से इसका अपोजिट बताना है ना. एंटोनिम्स, एंटोनिम्स आपको बताना है. अभी नहीं पता है, तो पता है तो आप बता सकते हैं, टिक कर सकते हैं. अभी मन में सोच लीजिए, फिर आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सच ए सीन अट्रैक्ट्स द ऑन लुकर्स. अब इसमें अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स है इसका अपोजिट. एंटोनिम्स, इंस्टिगेट्स, एनवाइज, रिपेल्स और रिफोल्ड्स. चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही सही है, ठीक है ना. तीन गलत है. अब उसी सही को आपको जज करना है, टिक करना है, और 100% सही टिक करना है. थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ गया नंबर, गलत हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. और हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेज ऑफ कॉरेज, कॉरेज में साहस होता है. यहाँ अबाउंड्स है, अबाउंड्स इसका आपको एंटोनिम्स बताना है. पहला है फेल्स, दूसरा है सफिसेज, तीसरा है लैक्स और चौथा है साइंस. चारों में से एक सही है, इसका अपोजिट, अबाउंड्स का अपोजिट. हाँ, वंस अगेन एक बार आपको बता दें कि आंसर देते समय आप केवल बोल्ड लेटर या अंडरलाइन वर्ड जो दिया हो उसको देखेंगे. पूरे सेंटेंस का हिंदी करने मत जाइए, कन्फ्यूज हो जाइएगा, टाइम भी आपका लगेगा, कन्फ्यूजन भी होता है. अभी एक चीज़ आपको बता दी है, ये ट्रिक है कि एंटोनिम्स करना हो, सिनोनिम्स करना हो, जो भी करना हो, जिस वर्ड का करना है बस उस पर आप ध्यान रखिए. और आपके माइंड में है, ध्यान में है अगर, तो आप सही आंसर दीजिएगा. चलिए, ओके. तो ऐसी तरह से सेम एज, है ना, सेम एज सिनोनिम्स, ऐसे ही सिनोनिम्स से भी होता है. अब हमको देखना है कि हम इसको याद कैसे करें, कैसे याद करें. इतने सारे वर्ड्स हैं, अनलिमिटेड हैं. आप जानते हैं कि एग्जाम में कौन सा वर्ड पूछेगा, नहीं, अनलिमिटेड है. शब्द भंडार बहुत सारे हैं. पूरा डिक्शनरी भी याद कर लें तो कम पड़ेगा, क्योंकि डिक्शनरी में भी कंप्लीट नहीं होता है. तो कहाँ से आएगा वो आप नहीं जानते, इसलिए कैसे समझेंगे, हाउ टू लर्न. ठीक है, ये देखिए, हाउ टू लर्न वैकैब्स इन ईजी वेज. ईजी वेज मैंने आसान तरीके से, आसान तरीके से कैसे समझेंगे हम वैकैब्स को, कैसे याद करेंगे, अपने माइंड में इसको कैसे स्टोर रखेंगे. इसके लिए सबसे पहला तो आप ध्यान दीजिएगा कि घर में जहाँ भी आप पढ़ते हैं, स्टडी रूम होगा या स्टडी प्लेस होगा. मान लीजिए आज के दौर में बहुत ही मुश्किल से अगर अपना घर है तो ठीक है, हो सकता है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो स्टडी प्लेस होता है, स्टडी रूम ना होकर प्लेस होता है. तो जहाँ भी आप पढ़ते हों, बैठते हों, जिस रूम में या जिस जगह पर किताब कॉपी रखे हुए हैं, वहाँ आप फिक्स कर लें कि जो आप 5 वोकैब्स याद किए हैं पहला दिन, उसको आप लिस्टिंग कर लीजिए. ठीक है, तीन 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 टुकड़ा में. ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे इस तरह से पेज पर, ऐसे कर लीजिए. और चार्ट बनाने के बाद यहाँ पर वर्ड आप लिखेंगे, वर्ड्स, फिर इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स और फिर सिनोनिम्स. ठीक है, ये दोनों को लिख लेंगे. अब यदि एक वर्ड आप लेते हैं, है ना, मान लें कोई वर्ड नंबर वन वर्ड लिए, तो इसका एंटोनिम्स आप तीन याद किए, तो तीनों एंटोनिम्स को इसके पास लिख लीजिए, 1 2 3. तीन सिनोनिम्स याद किए, तीनों सिनोनिम्स लिख लीजिए, हो गया पहला वर्ड हो गया. फिर सेकेंड वर्ड लेते हैं, ऐसे लिस्टिंग कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए. और इस तरह से ज़्यादा नहीं, 5 वर्ड. अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, बट उतना ही लेकर चलना चाहिए जितना संभव हो. ऐसा ना हो कि हम उब जाएं. भोजन के साथ भी ऐसा होता है, एक साथ बहुत सारा दे दिया जाए तो आप खा नहीं पाते हैं, और थोड़ा थोड़ा दिया जाए तो ज़्यादा खा लेते हैं. ठीक है, तो वही तरीका है, आप थोड़ा थोड़ा ही लेकर चलिए, बूंद बूंद से सागर भरता है. आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये आप जानते हैं ऑलरेडी कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और बूंद बूंद से सागर खाली भी हो जाता है. तो आपको भरना है एक एक बूंद करके. इस तरह से आप लिस्टिंग कर लीजिए, है ना, 5 वर्ड ऐसे आप लिख लीजिए,
और पांचों का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिख करके वहाँ लगा दीजिए दीवार में, उसको कंप्लीट देखते रहिए। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे नेचुरली आपका नज़र उधर चल जाएगा, ठीक है। हो सकता है अगर संभव हो आप अपने पास रखते हैं मोबाइल, रखते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, तो इस लिस्ट का आप फोटो खींच लीजिए। आप फोटो खींच करके उसको वॉलपेपर पर लगा लीजिए 24 आवर्स के लिए, मतलब एक दिन के लिए, ठीक है। वॉलपेपर पे जब भी आपका कॉल आएगा या मोबाइल आप खोलेंगे तो वही वर्ड आपके सामने आएंगे पांचों, और फिर उस वर्ड को आप देखते देखते कम से कम तो 30-40 बार तो आप देखेंगे, 50 बार देख लेंगे दिन भर में, देखते देखते वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। आपको बैठाना भी नहीं पड़ेगा, बैठ कर रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, रटना नहीं है बैठ करके, वो याद हो जाएगा आपको। फिर शाम को आइए उसको प्रैक्टिस कीजिए एक बार बिना देखे। आप सोचिए, अपने मन में सोचिए कि आज मैंने जो पांच वर्ड लिस्टिंग किया था वो कौन कौन वर्ड था, विथ स्पेलिंग, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, कि स्पेलिंग भी मिस्टेक होता है। स्पेलिंग के साथ उसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए एक बार। लिखने के बाद कुछ किताब पढ़िए, जब भी किताब कोई लेसन पढ़ेंगे इंग्लिश वाले, साइंस इंग्लिश जो भी हो, तो ये वर्ड आएंगे वहाँ पैसेज में, कहीं ना कहीं आएगा। आते ही आप तुरंत बहुत खुशी होती है, देखेंगे तो अरे ये तो मैं पढ़ा था, ये तो मैं याद किया था, ये वही यही वर्ड है ना, इसका ये मीनिंग होगा। इस तरह से उस दिन के लिए आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे यही काम कीजिए, अगला दूसरा पांच वर्ड लीजिए, है ना, फिर उसी तरह से उसका लिस्टिंग बनाइए, और लिस्टिंग बनाने के बाद उसको भी उसी तरह से फोटो खींच लीजिए, वॉलपेपर पर डाल लीजिए, दिन भर उसको देखते रहिए, ठीक है। इस तरह से ये पांच करके कंप्लीट हो जाएंगे। तीन दिन चार दिन आप 15-20 वर्ड जब आपके पास आ जाते हैं तो सबको एक साथ, है ना, लास्ट दिन चौथे पाँचवें दिन उसको आप रिविज़न कीजिए, पूरे वर्ड को एक साथ सोचिए मैंने कितना किया, और वो सारे वर्ड को लिखिए, एकदम आ जाएगा डे वाइज आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग डेली जो भी काम करते हैं, कोई भी घटनाएं होती हैं, तो हमारे दिमाग में रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है हम सपना भी देखते हैं, वो भी दिमाग में बना रहता है, जब जगते हैं तो याद रहता है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी कि मैं शाम को मैथ बना रहा था बैठ करके, और वो मैथ हमको नहीं आ रहा था, हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ था, नहीं आ रहा था, बहुत प्रयास किए नहीं आया, ठीक है। फिर लास्ट में थक गए और सोचे कि कल स्कूल में जाकर सर से पूछेंगे, और यही करके किताब बंद करके कॉपी बंद करके सो गए। रात में सपना आया कि मैं स्कूल में गया हूँ, मैथ का पीरियड, टीचर आया, मैंने वही प्रश्न पूछा, बोर्ड पर पूरा प्रश्न वो बता दिए, उसका आंसर बता दिए बना करके कि देखो ऐसे बनेगा, मैंने समझ गया उस मैथ को। और समझने के बाद सुबह उठे, कंप्लीट याद था लाइन बाय लाइन कैसे वो बताए थे सर, मैं कॉपी निकाला तुरंत और वो मैथ बन गया। हाँ, लेकिन भाई लक हुआ था मेरे साथ, ऐसा एक बार हुआ था जीवन में, उस बात कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो एक जुनून होता है, अगर आपके मन में जुनून आ गया, आप संकल्प कर लिए तो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे, कंप्लीट रखेंगे और रिविज़न करेंगे। देखिए संस्कृत में भी कहा गया है कि अनभ्यास से विषम विद्या, ठीक है ना, अनभ्यास से विषम विद्या, अभ्यास नहीं किए हैं तो विद्या जहर के समान है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ये बहुत लेक्चर हो गया, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। संकल्प तो एकदम रखना है आपको। अब इसमें देखिए वोकैबुलरीज, इसमें जो आपका है वो अभी आपको जब दिए थे हम वर्ड, पहला जो क्वेश्चन था उसमें देखे होंगे एडवर्सिटी था, ठीक है ना, प्रतिकूलता, इसका हिंदी होता है। अब मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, फिर आप आंसर अपने ही बताइएगा। मैं हट जाऊँगा यहाँ से, क्वेश्चन में दिखाऊँगा और आप स्वयं बताएंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। एडवर्सिटी हिंदी हुआ, प्रतिकूलता अनुकूल और प्रतिकूल, समझते हैं ना हिंदी, तो प्रतिकूलता जो हमारे लिए अच्छा ना हो, तो इसके लिए सिनोनिम्स देखिए, मिसफॉर्च्यून सिनोनिम्स है, मिसफॉर्च्यून, माइजरी, ठीक है, मिसफॉर्च्यून हुआ सिनोनिम्स में, माइजरी और पॉवर्टी मतलब वैसे गरीबी होता है, तो वही है ना, जो अनुकूल नहीं है हमारे लिए, प्रतिकूल जो है, मिसफॉर्च्यून, माइजरी और पॉवर्टी। अपोजिट देख लीजिए, प्रॉस्पेरिटी अपोजिट है, लैक और हैप्पीनेस, ये अपोजिट वर्ड है। उल्टा प्रॉस्पेरिटी ना, मैंने संपन्नता, लक, लैक नहीं सॉरी, लक भाग्य है, और हैप्पीनेस खुशहाली। इस तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किसका हुआ, है ना, वर्ड आपका क्या था, एडवर्सिटी, देख लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 याद रखेंगे, मिसफॉर्च्यून है,
माइजरी है, पॉवर्टी है, ये सिनोनिम्स है, मैंने उसी के जैसा मीनिंग प्रतिकूल तीनों का होता है हिंदी, और अपोजिट उसका अनुकूल प्रॉस्पेरिटी, लक, हैप्पीनेस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेंट, एसेंट था नेक्स्ट में। अब एसेंट है, इसका हिंदी होता है आरोहण, आरोहण और अवरोहण। आरोहण मतलब आगे की ओर बढ़ना, ऊपर चढ़ना, आरोहण आरोहण करना, और अवरोहण मतलब नीचे उतरना ना, डाउनफॉल, अवरोहण। अब इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं हम लोग। एसेंट का, एसेंट का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, प्रोग्रेस ना, आरोहण प्रोग्रेस हो गया, एसेंट मैंने प्रोग्रेस आगे बढ़ना, प्रोसीड वही प्रोग्रेस हुआ, फर्दर, फर्दर मीन्स आगे की ओर। एंटोनिम्स उसका उल्टा, रिग्रेस नीचे आना, रिग्रेस रिसेड नीचे आना, और गो बैकवर्ड, ठीक है ना, ये एंटोनिम्स हुआ, दूसरा हो गया। चले तीसरा, थर्ड, चलिए थर्ड देखिए। हाँ इसमें डिसेंट भी है ना, डिसेंट ये एंटोनिम्स में आपका रिग्रेस, रिसेड, गो बैकवर्ड और डिसेंट याद रखेंगे। किसका, किसका है ये, एसेंट का है, ए एस सी ई एन टी, एसेंट दिमाग में रहेगा, माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद है असेंबल्ड, नेक्स्ट वर्ड है आपका असेंबल्ड। देखिए असेंबल्ड हिंदी होता है एकत्र करना, एक जगह जमा होना, असेंबल्ड है, इसी से असेंबली बना है, असेंबली बने सभा होता है असेंबल्ड, या कोई चीज़ असेंबल होता है जैसे कंप्यूटर असेंबल होता है ना, ये सब बनाया जाता है, टीवी असेंबल होता है, स्वयं लोग बनाते हैं, सब सामान इकट्ठा करके उसको सेट कर देते हैं। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स में है असेंबल का, ठीक है, असेंबल का स्टोर, कन्वोक और पाइल, पाइल माने ढेर होता है, किताब एक पे एक रखते हैं ढेर हो जाता है तो उसको पाइल कहते हैं, कचरा का भी जो एक जगह कूड़ा डालते हैं तो पाइल होता है, ढेर लग जाता है। तो ये हो गया असेंबल का सिनोनिम्स, जमा करना। डिस्पर्स, ये हो गया एंटोनिम्स, डिस्पर्स, ब्रॉडकास्ट और एस्केटर, एस्केटर माने बिखरना है ना, सीड डिस्पर्सल आप पढ़े होंगे साइंस में, सीड डिस्पर्सल माने बिखरता है, इधर उधर जाता है। तो ये किसका था याद रखेंगे वर्ड, असेंबल्ड, असेंबल्ड का एंटोनिम्स, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन एंटोनिम्स वाला ही है ना, डिस्पर्स, ब्रॉडकास्ट और एस्केटर। चलिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा है आपका अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब यहाँ गलत है ना, खिंचाव होगा ना, खींचा और वह, इसको काट देते हैं, खींचा, खिंचाव, खिंचाव ना, खींचना माने अट्रैक्ट करना, कोई चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो खिंचाव होता है। वन सेकेंड लिख दे रहे हैं, खींचा और वह, खिंचाव। चलिए इसका सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों है, अभी हम लोगों का तो क्वेश्चन एंटोनिम्स वाला ही है, बट दोनों देखते चलते हैं, और इसी तरह से आपको पांच वर्ड डेली याद करना है, मिलेगा आपको, दिया जाएगा। देखिए सिनोनिम्स में ब्रिंग, पहला वर्ड है ब्रिंग, ठीक है ना, ब्रिंग, कैप्टिवेट, ड्रॉ और फैसिनेट, ये सिनोनिम्स हो गया। और एंटोनिम्स में रिपल्सिव, रिफ्यूज, रिजेक्ट, ठीक है, एंटोनिम्स इसका, हाँ रिपल्सिव, रिफ्यूज और रिजेक्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, किसका वर्ड का था याद रखेंगे, अट्रैक्ट का, अट्रैक्ट माने खिंचाओ। और आपका लास्ट है, हाँ इसमें एंटो, इसमें सिनोनिम्स में फैसिनेट भी था, कील था, सेंड था, फाइव, अबाउंड ना, अबाउंड मीन्स भरपूर, पूरा। तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों है। सिनोनिम्स में देखिए टीम है, पहला वर्ड टीम, और
प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल टीम और प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब प्लेंटी माने अधिक मात्रा में होता है, जानते हैं आप। और इसका एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स में आपका वांट और लैक दो दिया हुआ है, वांट और लैक। लैक माने कमी होता है, वांट माने चाहना होता है, डब्ल्यू ए एन टी वांट, और लैक एल एस सी के लैक, ठीक है, अबाउंड था भरपूर, भरपूर का लैक। वांट माने चाहना, उस तरह की माने कमी है तो हम चाहते हैं उसमें, तो ये कमी के रूप में वांट आ गया, और लैक भी कमी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि आप बना पाते हैं या नहीं, ठीक है। पांच वर्ड था, अब आप क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं और आप स्वयं बताएंगे कि हाँ इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था एग्जांपल में, देखिए है ना, बस 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 हो गया, देख रहे हैं। अब इसमें आप बताएंगे एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का एंटोनिम्स क्या होगा, याद है, कर लिए, ऑप्शन ए, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, अभी देखे थे आप। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में था एसेंट, देख रहे हैं एसेंट, इसका अपोजिट डिसेंट, डिसेंट कौन होगा, या डिस्केंट या डिसेंडेंट, डिसेंडेंट, ओके, हाँ डिसेंड होगा ना, क्योंकि ये भी वही है, मीनिंग आप डिफरेंस है, देख लीजिएगा, डी ई एस सी ई एन टी है तो डी ई एस सी ई एन टी, ए एस है तो डी लग गया ना, एसेंट का डिसेंट, सेकंड हो गया। चलिए इसके बाद थर्ड असेंबल्ड, थर्ड आपका असेंबल्ड, असेंबल्ड का अपोजिट रिमूव्ड, डिफ्यूज्ड, डिस्पर्स्ड या इलिमिनेट, याद है क्या था, सीड डिस्पर्स, उसमें बताए भी थे सीड डिस्पर्सल है ना, तो डिस्पर्स ये था ना, डिस्पर्स्ड। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अट्रैक्ट्स, देखिए अट्रैक्ट्स ये था, इसका अपोजिट स्वयं बता दीजिए, इंस्टिगेट्स, एनवाइज, रिपेल्स या रिवोल्ट्स, आ गया, देखें देखें तो बिल्कुल आ जाएगा, एक बार देखने से बताइए इतना आ रहा है। अब इसको हम बताए थे 24 आवर, 24 घंटे के लिए आप नज़र पर रखिए इसको, और फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब क्या होगा है ना, और उतना ही नहीं, जब एक सप्ताह हो जाए, एक सप्ताह में आपको अगर 20-25 हो जाता है वर्ड, तो उसको संडे को पूरे को एक बार रिवाइज करेंगे, और जहाँ भी बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, प्रयास करेंगे कि इन्हीं वर्ड को आप यूज करें, उसमें यूज करें इसको, कभी बात भी करें लोगों से इंग्लिश, वैसे लोगों को खोजिए जिससे आप कन्वर्सेशन कर सकें, और कन्वर्सेशन करते समय ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज कीजिए उसमें, फिर आपका देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ क्या बताए थे, रिपेल्स ना, हाँ रिपेल्स, अट्रैक्ट्स का रिपेल्स, वैसे भी आप साइंस में पढ़े होंगे मैग्नेट वाले में, रिपेल्स करता है एक दूसरे को है ना, दूर हटाता है, अट्रैक्ट माने आपस में जोड़ता है, तो बाहर से भी आप ले सकते हैं कहीं से एग्जांपल के रूप में। अगला देखिए नेक्स्ट वर्ड अबाउंड्स था, अबाउंड्स का अपोजिट फेल्स, सफिसेज, लैक्स या साइंस, आ गया बिल्कुल, हाँ लैक्स, ओके लैक्स, लैक्स मैंने कमी होता है बताया तो वहाँ लैक, और एक वांट था याद है, वो भी ध्यान रखिए क्या क्या हम पढ़े थे इसका अपोजिट में, अबाउंड्स का लैक और वांट्स, ठीक है। चलिए ओके, तो अब ऐसे ही आप जो क्वेश्चन अभी था इसी टाइप का, देखिए ये जो लिखा हुआ है कि सेम सेम एज ए सिनोनिम्स, मतलब जैसे अभी एंटोनिम्स किए हैं इसी तरह से क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स का भी होगा, और सिनोनिम्स का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपको डेली क्वेश्चन नहीं, डेली आपको ये पांच वर्ड और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए जाएंगे, उसको आपको लर्न करना होगा,
और फिर इसका टेस्ट होगा वीकली, साप्ताहिक ना, ऑनलाइन लाइव टेस्ट। यस, लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट में आपको जो एक सप्ताह में पढ़े रहेंगे उसी वर्ड को, इस जैसे अभी प्रैक्टिस किए 5 क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन बना के दिया जाएगा और उसमें मिक्स रहेगा। अभी तो आप केवल एंटोनिम्स किए 5, अब उसमें हो सकता है 5 क्वेश्चन ही रहेगा, 5 में 2 रहेगा एंटोनिम्स, 3 रहेगा सिनोनिम्स, है ना, मिक्स होगा। देखिए कंपटीशन, जहाँ परेशानियाँ आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, उसी में मज़ा आता है और उसी में निखर करके सामने आते हैं। कहा गया है ना कि सोना जो है तप करके ही कुंदन बनता है। ओके, ओ हाँ, चलिए ओके, ये तो हम लोग कर चुके सब ना, ये हो गया है, पढ़ लिए हैं अभी हम लोग। हाँ, ये देखिए आपका आंसर है ना, अभी जो हम लोग पढ़े उसका आंसर है, ये आंसर्स, 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का C और 5 का भी C, मैंने 3, 4, 5 सी ऑप्शन था और 1, 2 AB था, AB, C, 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 ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। ओके, थैंक्स। और इस तरह से बहुत सारे नॉलेज बढ़ते जाएंगे आपके, इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि जानते हैं विद्या बांटने की चीज़ है। अगर आप लाभान्वित होते हैं तो कोशिश कीजिए जितने आपसे सर्किल में हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, वो भी लाभान्वित हों, उनको बताइए, समझाइए। और निस्वार्थ भाव से हम लोग चल रहे हैं, आपके नॉलेज बढ़े, आप समझें, आगे बढ़ें, एजुकेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े। स्कूल कॉलेज बंद है, आप देख ही रहे हैं, इसमें आप ऑनलाइन के सहारे हैं। बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं, खोजते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं हो पाती है यहाँ कंप्लीट। हाँ, जहाँ आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तुरंत आप कमेंट कीजिए, है ना, या चैटिंग कीजिए, लाइव क्लास होता है, चैट कीजिए चैट बॉक्स में, लाइव चैट, और उसमें आपको समस्या को दूर किया जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।